नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बात करेंगे जहां के घरों में चूल्हा नहीं जलता। यहां गांव एकता और भाईचारे का गजब मिसाल है। दोस्तों, गांव का नाम सुनकर हमारे मन में झोपड़ी, कुआं, खेत खलियान का ख्याल आता है। हालांकि अब भारत में ज़्यादातर गांव विकसित हो चुके हैं, यहाँ तक कि अब पक्के मकानों के साथ अब किचन भी बनाए गए हैं जहाँ चूल्हे की बजाय गैस पर खाना बनाया जाता है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहाँ किसी भी घर में खाना नहीं बनता। दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ किसी के भी घर में रसोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग खाना नहीं खाते या बनाते नहीं हैं, वे सब करते हैं लेकिन कुछ अलग ही अंदाज में। चलिए आपको इस गांव की पुरानी परंपराएं बताते हैं और जो शायद आपको ताज्जुब कर सकती है। भारत के गुजरात का यह अनोखा गांव मेहसाणा जिले का गांव चंदकी है। यह एक ऐसा अनोखा गांव है जहां पक्की सड़कें हैं, 24 घंटे बिजली रहती है और साफ सफाई इतनी कि यहां आने वाला देखता रह जाता है। शौचालय के मामले में यह गांव नंबर 1 पर है। इस गांव की 1300 आबादी में से 900 युवा काम के सिलसिले में अमेरिका और अहमदाबाद में जाकर बस गए हैं। लोगों के बाहर जाकर बसने के बाद अब इस गांव में सिर्फ बूढ़े लोग ही रहते हैं। अकेलेपन के कारण यहां के बुज़ुर्गों ने एक शानदार योजना बनाई है। इस योजना के तहत किसी को भी अपने घर में खाना नहीं बनाना पड़ता। सुबह, दोपहर, शाम को एक ही रसोई में पूरे गांव का चाय, नाश्ता, पानी और खाना बनाया जाता है। एक ही जगह पर बैठकर हर रोज़ 60 से 100 बुज़ुर्ग प्रेम से खाना खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाँव में आज़ादी के बाद से अभी पंचायती राज शुरू नहीं हुआ। आज़ादी के बाद यहाँ अब तक पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं, जिसका असर गांव के विकास में देखने को मिलता है। यहाँ बिजली पानी की कोई कमी नहीं है। पक्की सड़कें होने के कारण लोगों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आपके मन में यह सवाल ज़रूर होगा कि घरों में आने वाले मेहमानों का खाना कैसे बनता होगा। तो आपको बता दें कि मेहमान किसी का भी हो, खाना गांव की रसोई में ही बनता है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस गांव में पहले महिलाएं और फिर पुरुष खाना खाते हैं। यह गुजरात का एकमात्र ऐसा गांव है जहां सामुदायिक भोजन कक्ष है। त्योहारों पर भी बाहर रहने वाले लोग अपने गांव में आकर एक साथ खाना खाते हैं। किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता। यहां गांव के सरपंच और युवाओं ने एक समिति का गठन किया है ताकि लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिल सके। इस गांव को निर्मल और तीर्थ गांव जैसे अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा गांव की ग्राम पंचायत को समरण महिला ग्राम पंचायत का भी अवार्ड मिल चुका है। यह गांव आज भी एकता और भाईचारे की गजब मिसाल है। इस गांव को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।